आगे बढ़ेंगे। रोटरी क्लब और रोटरी क्लब प्रीमियर ने जबलपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में साल 2020-21 में रोटरी क्लब जबलपुर के द्वारा किए गए कामों पर रिपोर्ट पेश की गई। कोरोना काल में क्लब ने जनता की मदद के लिए कई काम किए थे और उनका जिक्र इस रिपोर्ट में भी किया गया। और इसी कार्यक्रम में साल 2021-22 के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में रोटरी क्लब प्रीमियर जबलपुर के अध्यक्ष वरुण तनखा ने अपना विजन रखा। कार्यक्रम में वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा, रोटरी क्लब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर मेहता और आईटीबी ग्रुप के फाउंडर और एमडी कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर आईटीबी नेटवर्क के फाउंडर और एमडी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वो रोटरी क्लब की सेवा की भावना से बेहद प्रभावित हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि आईटीबी नेटवर्क के शुरुआत हो रहे चैनल न्यूज एक्स वर्ल्ड में हर हफ्ते रोटरी क्लब पर एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तो ये देखकर आश्चर्य भी हुआ और बहुत चकित भी रह गया कि किस स्केल पे और किस लेवल पर लोग सेवा कर रहे हैं और कितना सेल्फलेसली सेवा कर रहे हैं। मतलब अपनी अपनी पर्सनल पूंजी को लगाकर किस तरीके से काम कर रहे हैं लोगों के भलाई के लिए, खासकर कोविड के कार्यकाल में। हाल ही में 50,000 कॉन्सेंट्रेटर्स की जो डोनेशन की रोटरी ने और जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाया, तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि मैं बहुत प्रभावित हूँ एक इंडियन सिटीजन के तौर पर, एक मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। और मैंने इस चीज का एक हमने अपने आईटीवी नेटवर्क पे और अपने 10 करोड़ व्यूअर्स की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद किया है पास्ट में। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हमने पिछली बार बात की थी शेखर जी, विथ योर परमिशन, हम न्यूजएक्स वर्ल्ड, मैं इसलिए खुश हूं आज अनाउंस करते हुए क्योंकि मेरी जन्मभूमि जबलपुर है, मेरी पैदाइश जबलपुर की है। तो कहीं ना कहीं आज एक बहुत ही उत्साहित फील कर रहा हूं कि जबलपुर के रोटरी फंक्शन में ये कहने का मौका मिल रहा है कि हम अपना न्यूज एक्स वर्ल्ड चैनल, जो कि इंडिया का सबसे पहला ग्लोबल चैनल होगा, जो कि 128 देशों में प्रसारित होगा और चलेगा, उसके अंदर हम रोटरी के ऊपर हर सप्ताह एवरी वीक एक शो करेंगे। और जो रोटरी की मैं अगर कह सकूं कि अद्भुत अचीवमेंट्स हैं दुनिया में, उसको प्रस्तुत। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि महामारी के दौरान रोटरी क्लब ने कई जगहों पर ऑक्सीजन बैंक भी बनाए हैं। स्टेशंस हैव चेंज्ड, वर्क फ्रॉम होम इज द नॉर्म। कार्तिकेय जी से पूछिए, ही इज नाउ। मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, रूपर्ट मुड्रॉक के बाद कोई बड़ा आदमी बनेगा कार्तिकेय शर्मा बनेगा, 3 साल बाद देखना आप। तो ये जो वर्क, जो एक नया कल्चर आया है, इसमें आप लोग को अपने आप को अडेप्ट करिए, इस नए कल्चर को प्रमोट करिए और इस नए कल्चर से सर्विस को ज्वाइन करिए। शेखर जी, बहुत कम शब्दों में बताना चाहता हूं, कोविड एक अपॉर्चुनिटी थी हम लोग को सर्विस की, और इंसान सर्विस घर से स्टार्ट करता है, बाहर तो बैंक में जाता है। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन बैंक्स रोटरी के माध्यम से सेटअप किए हैं, जबलपुर में, कटनी में, सतना में, नरसिंहपुर में, दमोह में, मंडला में, डिंडोरी में, शहडोल में, बालाघाट में, सियूनी में, मैनपुर में और बहुत सारे अलग ब्लॉक्स पे भी, करीब एटलीस्ट 15-20 हम लोग ऑक्सीजन बैंक्स रोटरी के एस्टैब्लिश कर चुके हैं। वहीं रोटरी क्लब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर मेहता ने इस मौके पर क्लब की सदस्यता बढ़ाने की अपील की ताकि सेवा के काम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की पहुंच बढ़ सके। 20 साल से हम अटके हुए हैं 12 लाख मेंबर पे। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो अटका रहे 20 साल तक एक ही जगह पे? तो इसलिए मैंने हम हर एक से रिक्वेस्ट किया है, ईच वन ब्रिंग वन, वी हैव टू ग्रो मोर एंड बी एबल टू डू मोर। तो ग्रो मोर का आपने सैंपल तो दिखाई दिया, विच इज सो वेरी नाइस। एट द सेम टाइम आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट समीर चड्डा एंड लकी, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, द आउटगोइंग वंस। जबलपुर रोटरी क्लब प्रीमियर के अध्यक्ष वरुण तनखा ने कहा कि रोटरी क्लब ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा की और आगे भी करते रहेंगे। Our club has already conducted 20 special programs and activities in the city of Jabalpur even before we were presented with this charter. As my father had always taught me that dream big, बड़ा सोचो, and always, even in an adversity, you will find an opportunity.
और इसी के साथ यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।